लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे होने के चलते गंगेयो जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद कुमार ओझा को निलंबित किए जाने और सीईओ पद से हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों से पैसे लेकर भी आवास का निर्माण न होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में अभी हाल में ही चौरी ग्राम पंचायत के मथुरा प्रसाद आदिवासी के द्वारा बताया गया कि उनके आवास से संबंधित पैसा सचिव, रोजगार सहायक और तत्कालीन सरपंच के द्वारा हजम कर दिया गया और हितग्राही ने यह भी कहा कि यह सब प्रमोद ओझा के संरक्षण में हो रहा है। हितग्राही ने बताया कि मामले की गुहार कई बार लगाई गई लेकिन ना तो उन्हें पैसा मिला और ना ही उनका आवास पूर्ण हो पाया है। प्रधानमंत्री आवास और कराधान घोटाले में संलिप्तता के चलते प्रमोद ओझा को हटाए जाने की मांग अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा कराधान घोटाले एवं प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों से पैसे के लेन देन के मामले में और मनरेगा लेबरों का एटीएम कार्ड पंचायत के दलालों के द्वारा अपने पास रखे जाने के मामले को लेकर सीईओ जनपद प्रमोद ओझा को गंगेयो जनपद से हटाए जाने की मांग की गई है। अभी हाल में ही चौरी ग्राम पंचायत के लगभग 5 से 6 लाख रुपए के बीच नाला निर्माण के एक मामले को लेकर मिट्टी का प्रतिबंधित कार्य 15 जून के बाद कराए जाने और ट्रैक्टर जेसीबी लगाकर रातों रात काम करवाए जाने के मामले में चौरी ग्राम पंचायत के ग्रामीण लामबंद होकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सीईओ जिला पंचायत के द्वारा गंगेयो के पीसीओ भारत पटेल एवं सिरमौर एसडीओ जितेंद्र अहिरवार को भेजकर जांच करवाई गई है लेकिन अभी तक जांच का प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। वही मामले को लेकर ग्रामीणों ने कहा है कि जिस प्रकार सीईओ जिला पंचायत स्वप्निलवान खेड़े के आदेशों की अवहेलना सीईओ जनपद प्रमोद ओझा के द्वारा की जा रही है, इससे साफ जाहिर है कि पूरे मामले में स्वयं सीईओ जिला पंचायत की भी संलिप्तता है या फिर जनपद के सीईओ प्रमोद ओझा किसी के आदेश को मान नहीं रहे हैं और ऐसे में इन्हें यहाँ से तत्काल निलंबित कर हटाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आपका ये जो घर का छत नहीं पड़ा हुआ है, वहाँ तक ये छत क्यों नहीं पड़ा, धूरा क्यों पड़ा हुआ है? ये प्रधानमंत्री आवास का है ना जी? अब दादू, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवा है पैसा, वैसा पैसा हम कब नहीं मिला। ATM कापी सब सरपंच साहब ले रहे और वह आज तक नहीं दी नुमार आइए जो उन्हें छत तक वो पहुँचाए नहीं इतनी दूर तक, छत के खातिर बंद कर दी सामान देव हमका गिट्टी बालू लोहा नहीं दी सीमेंट तो यह हमारा छत अधूरा रहेगा। आ हमसे 15,000 रुपया सीओ साहब के नाम से सेक्रेटरी साहब लेके दे साहब जी दादू, तो कहीं के हम तुम्हार या आवास आ जाइए जो न देवे आज तुम्हार किस्त रुक जाइए जो या न देवे पैसा तो तुम्हार किस्त रुक जाइए तो 15,000 रुपया लेके चले गए हाँ सेक्रेटरी आ चाहे बास देवतरी हमसे बुलवा ले बिल्कुल का कहावत है हाथे से पैसा लेके चले गए हाँ जी सर। देखिए रीवा जिले के गंगेयो जनपद अंतर्गत जो यहाँ का पीएम आवास का जो मामला चल रहा है वो काफ़ी गंभीर किस्म का है। गंगेयो जनपद के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं प्रमोद ओझा, इनको पीएम आवास में गड़बड़ी के चलते एक बार निलंबित किया जा चुका है, अपनी राजनीतिक रसूख के कारण वापस आ गए हैं। अमूमन जिस व्यक्ति का निलंबन उस स्थान से होता है वो इतना जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होती है, लेकिन ले दे करके वापस आ गए हैं। पीएम आवास में घोटाला निरंतर चल रहा है। अभी चौरी पंचायत में एक मथुरा प्रसाद कोल आदिवासी का एक मामला आया है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके आवास के लिए दिलवाने के लिए 15,000 तक रुपये उनसे लिए गए सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा और वो पैसे सीओ जनपद पंचायत प्रमोद ओझा के पास तक पहुँचाए जा रहे हैं। हमने निरंतर इसमें मांग की है कि प्रमोद ओझा को तत्काल यहां से हटाया जाए। प्रमोद ओझा इस जनपद में कार्य करने योग्य नहीं है, एक अक्षम और एक पूरी तरह से इनकम्पिटेंट अधिकारी हैं। उनके समक्ष चौरी पंचायत में और भी मामले आए थे जिसमें मनरेगा के कार्य 15 जून के बाद करवाए जाने का मामला भी सामने आया है और इस प्रकार से ज़्यादातर पंचायतों में यह धांधली करवा रहे हैं और उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। प्रमोद ओझा को तत्काल जितना जल्दी संभव हो गंगेयो जनपद से हटाया जाए। इनको यहाँ पर पीएम आवास में गड़बड़ी के चलते एक बार पुनः रिपीट करता हूँ निलंबित भी किया जा चुका है और पीएम आवास के मामले अभी ठंडे नहीं हुए हैं, हर जगह व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है।